सर आपको पता है कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत ही खास कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है अपने उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सर। जी सर बिल्कुल, मुझे पता है महेश सर को भी ये मुझे भी थोड़ा थोड़ा हिंट मिला कि आमने सामने केबीसी बता नहीं, ये दो क्या लो क्या है सर, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं। एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि आमने सामने क्या है, केबीसी क्या है? सर बस मुझे सुनने में आ रहा था जब मैं बैठा हुआ था तो कि आमने सामने का प्रोग्राम होगा, केबीसी होगा, मुझे तो केबीसी के फुल फॉर्म भी मुझे लगा अमिताभ बच्चन साहब आएंगे। सर किशोर सर आप बताएं क्या हो रहा है, मतलब ये केबीसी और आपको पता है मतलब कुछ तो आपको खबर आई है सर? भी थोड़ा बहुत इसका आइडिया है तो मैं जितना आइडिया है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आमने सामने में क्या है कि सर हमारा एक इवेंट होने वाला है और वो इवेंट जो है सर यूट्यूब पे लाइव होगा। क्या बात है सर। और उस इवेंट में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन के वो सारे बैठे रहेंगे और हमारी जो फैकल्टीज हैं, जो सीनियर फैकल्टीज हमारी वहाँ पर प्रेजेंट है, वो सारी फैकल्टीज बच्चों के सामने बैठी रहेगी। तो उसमें सर मेरे ख्याल से क्वेश्चंस पुट अप होंगे, डाउट पुट अप होंगे, सब कुछ होगा सर। एग्जैक्टली सही लाइन आपने बिल्कुल पकड़ी है कि वहाँ पे सर स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स हैं, क्या होता है सर मतलब क्लासरूम में आप जब फैकल्टी जाती है वो तो सॉल्व कर देती है जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स है, लेकिन सर कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू द कोर्स, रिलेटेड टू द पर्सनल लाइफ और भी बहुत सारे कि अपने जो है टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाए, बहुत सारे जो है वो इश्यूज हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो उन्हीं के लिए है सर ये आमने सामने। सर प्रिपरेशन फेज में आपको पता है कि स्टूडेंट के बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं आप लोगों के, कि उसके प्रिपरेशन फेज में कभी आता है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, कभी आता है बहुत नीचे गिर जाता है, एक तरह साइनसोइडल जो ग्राफ होता है। मतलब एक तरीके से मैंने जैसे अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपन देखे तो अपन को ये पता नहीं होता कि अपन को करना क्या है, ठीक है, और किस तरह से उस एग्जाम को निकालना है। तो आई थिंक सो कि बच्चों के यही क्वेश्चन ज़्यादातर वहाँ पुट अप होंगे कि सर हम एग्जाम किस तरह से निकालें, कितने किस एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आई थिंक सो आमने सामने में सारे डाउट क्लियर होने बिल्कुल सर सारे रिलेटेड, जैसे मैंने बोला कि सर सारे मतलब पर्सनल भी हैं, आपके स्टडी से रिलेटेड भी हैं और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर इंस्टीट्यूशन। और सर सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो सारी चीजें हैं ना सर वो लाइव होने वाली है, मतलब देयर इज नथिंग स्क्रिप्टेड सर, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होगा, आपके पास लाइव होगा, लाइव इवेंट है, जो भी डाउट है सर वो यूट्यूब पे सब कुछ जो है वो सबके सामने होंगे और उन सबका जो डाउट है वो सबके सामने रिजॉल्व भी किया जाएगा। सर ये होगा क्या क्या इसका डेट वेट अनाउंसमेंट? सर डेट वेट का अनाउंसमेंट आपको देखना है तो हमारे चैनल के ऊपर बना रहना पड़ेगा, क्योंकि डेट का अनाउंसमेंट जो होगा पहले ही कर दिया जाएगा, बट आपको जो चैनल है हमारा यूसी के ऊपर उसके ऊपर बना रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ सर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है आप एक नोटिस करना, पूरे भारतवर्ष के बच्चों को दिखाया जाएगा कि हमारे क्लासरूम के बच्चे कैसे हैं। हमारा क्लासरूम वहां पर दिखाया जाएगा, हमारा हो सकेगा सर क्लासरूम के बच्चों से भी मिलवा दे वहां पर, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पूछता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर उससे मिलवाया भी जा सकता है। सर एक डाउट, चलो सर ये तो सारी बात जो है वो आमने सामने की हो गई जी। सर ये जो केबीसी जो है ना, जो अमिताभ बच्चन जो आने वाले हैं और ये होने वाला है वो क्या चीज है सर एग्जैक्टली? क्योंकि मेरे को उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है सर, मेरे को आमने सामने का पूरा आइडिया था कि हाँ ऐसा कुछ जो है वो है, मेरे को इसकी सारी इन्फो भी थी सर। केबीसी की सर मैंने तो कुछ अभी तक जान नहीं पाया क्या है सर। केबीसी का फुल फॉर्म बताओ सर क्या सर? केबीसी का फुल फॉर्म करोड़ चैंपियन है सर, कौन बनेगा करोड़पति नहीं है सर। और इसमें सर ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा अपना, मतलब इसके अंदर सबसे पहला अपना इवेंट होगा जो है आमने सामने वाला इवेंट। जी सर सबसे पहले इसमें वैसे ही होगा कुछ जैसे कि केबीसी मतलब पहले सेलेक्ट करेंगे कुछ, हाँ वही मैं थोड़ा सा बता रहा था आपको। स्टूडेंट्स ही आएंगे जो उसमें सर क्या होगा आमने सामने के इवेंट के बाद में क्या होगा कि दो दिन बाद में या तीन दिन बाद में हमारा एक मेगा टेस्ट होगा। ओके मेगा टेस्ट होगा, उस मेगा टेस्ट के अंदर अपने क्लासरूम के बच्चे, अपने ऑनलाइन वाले बच्चे और साथ ही साथ पूरे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं जो ऐप के ऊपर एनरोल कर रहे हैं वो टेस्ट वो लोग देंगे। उसके बाद में उनमें से कुछ बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वो इवेंट भी आपका हम लोग लाइव ही करवाएंगे ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि कुछ कर लिया है कुछ कर लिया है। सर इसमें एक डाउट सर, जैसे आपने बोला इसमें ऑफलाइन के स्टूडेंट्स भी होंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी होंगे, तो सर जो नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जो उत्कर्ष के साथ वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर? उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पहले, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। ओके कोई कॉस्ट नहीं है, बस मतलब वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट पूरे इंडिया का कोई भी स्टूडेंट आपका यहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है। और इस मेगा टेस्ट के जो भी सिलेबस वगैरह है वो रिवील किया जाएगा आने वाले वीडियोस के अंदर। सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरा, अपन ये सारे इवेंट करते ना इनके पीछे का एक एम एक ध्येय होता है। बिल्कुल सर, इस इवेंट का जो ध्येय है ना जो मुझे लग रहा है वो बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं, सब तरह पढ़ रहे हैं, एक ऐसी एक्टिविटी जहां वो एक मस्ती से आए, मस्ती से अपने आंसर्स करें, क्वेश्चंस करें, इस तरह का एक हमने माहौल तैयार करने के लिए केबीसी नाम का मुझे लगता बिल्कुल इस तरह का एक ये दिया है कि बच्चे वहां अपने
डाउट को मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर करें और मस्ती से दें, जिस तरह से केबीसी चल रहा है, अमिताभ बच्चन साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इधर से आ रहा है। अच्छा बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात बोली सर। इसकी अगर मैं थोड़ा सा मतलब अगर बात करें, जैसे केबीसी मतलब ये अपना जो है वो कौन बनेगा चैंपियन चल रहा है, और उधर जो है वो कौन बनेगा करोड़पति जो अमिताभ बच्चन साहब वाले आते, तो सर मतलब इसमें कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि सिमिलैरिटीज तो होंगी सर। हाँ सर, इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे मतलब वहां पे चलो ठीक है, यहाँ पे चैंपियन होगा स्टूडेंट जो है वो नॉलेज का चैंपियन बनेगा। हाँ, बिल्कुल। उसको जो है वो आई थिंक जब लास्ट में जब वहां पे जो है वो पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पे सर इन टर्म्स ऑफ द अवार्ड्स जो है वो भी मिलेंगे। जी सर, तो वो भी जाएंगे सर। तो जो प्रोसीजर है सर, मतलब कहीं ना कहीं उनमें सर जो नाम जैसे मैच करता सर, प्रोसीजर भी कुछ मैच करेगा क्या सर इसमें? प्रोसीजर भी सर पूरी की पूरी तरीके से मैच कर रहा है लगभग, बट जो है वहां पर पैसों का होता है, यहाँ पर हमारा नॉलेज ज्ञान का होगा, क्योंकि हम लोग शिक्षक लोग हैं। बिल्कुल। तो शिक्षक लोग एक ज्ञान का ही क्विज करवा सकते हैं, या चैंपियन जो है वो ज्ञान का ही बना सकते हैं। तो इसमें सर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे मेगा टेस्ट के बाद में, उन्हीं बच्चों में से 3 बच्चे हम लोग वहां पर केबीसी खिलाएंगे। ओके। लाइव इवेंट होगा। क्या बात। उस लाइव इवेंट के ऊपर जो सारा कुछ होगा वो यूट्यूब के ऊपर चलेगा, और उन बच्चों के जो मार्क्स हैं या स्कोर हैं वो भी हम लोग वहां पर दिखाएंगे। तो ये एक तरह से वही पैटर्न है, आमने सामने की तरह हम लोग YouTube के ऊपर लाइव करेंगे, बट इसमें वो 3 चैंपियन बच्चे जो होंगे आपके, वो चैंपियन बच्चे वहां पर बैठेंगे और सवालों के जवाब देंगे लाइव। और वही अगेन उनके लिए टाइम ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ वैसा ही माहौल बनाकर किया जाएगा जो केबीसी के जो एक्चुअल जो है करोड़पति वाला जो है उसमें किया जाएगा। क्या बात है सर, आई थिंक ये तो सर हिट करेगा। नहीं, हिट भी करेगा और सर ये बच्चों को मोटिवेशन भी देगा। हाँ सर, वो तो कहीं से भी सर, बच्चा इंडिया में कहीं भी पढ़ रहा हो, इस तरह का जब चीज होती है ना, उसका मोटिवेशन मिलता है कि यार हमारे इतने सारे भाई बंधु आएंगे वहाँ पे उनके। बिल्कुल सही बात है। अपने 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 नॉलेज को चेक करेंगे और वो टॉप 3 में आने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, यूएसी हमेशा इनोवेशन के लिए जाना जाता है, हम लोग नए नए इनोवेटिव तरीका लाते हैं यहाँ पर, तो ये भी उनमें से एक है। बहुत बेहतरीन इवेंट आपका होने वाला है और ये भी जल्दी ही शीघ्र मतलब इसका भी डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। बिल्कुल सर, इसका डेट अनाउंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, आपको सबसे पहले उत्कर्ष यूट्यूब क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इस चैनल में बने रहना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती रहेगी। और सर उत्कर्ष की ऐप भी डाउनलोड करके रखनी है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि फॉर्म आ गया पहले फिल कर दो, तो इसी तरीके से आप बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए आप कहीं से भी। ठीक है, तो चलिए सर, आई थिंक दिस इज ऑल इनफ अबाउट दी आमने सामने इन केबीसी। तो और मोर इन्फो के लिए बने रहिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। टिल देन मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।